दलित समाज के लीडरों से मेरी एक एक मतभेद है मेरी, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हूं चाहे मायावती हूं। चंद्रशेखर भी उसी लाइन पे जा रहे हैं। मायावती का आपको याद होगा, एक समय था जब 70 लाख रुपया का बर्थडे पे किसी ने उनको नोटों का हार पहना दिया था, और मायावती जब पावर में रही, चीफ मिनिस्टर रही यूपी की, तो उन्होंने जितना वेस्टेज किया और जितने करप्शन के केसेस उन पे पड़े वो अच्छे अच्छे लोगों पे नहीं पड़े। और उनकी लाइफस्टाइल पूरी सिंपल लिविंग की तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल 5 स्टार नहीं 7 स्टार लिविंग थी। अब मैं जो वीडियो दिखा रहा हूं चंद्रशेखर का है, वो भी आजकल जो इंटरव्यू वगैरह देते हैं 5 स्टार 7 स्टार होटल ही बैठ के देते हैं, उसके नीचे तो वो दिखता ही नहीं, तो वो भी देख लें। मैं किसी पार्टी से तो नहीं हूं, लेकिन मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई हमें दलितों के साथ, या यूं कहें दलित को छोटा कहकर समझा जाए। वो तमाम काम करने वाले चंद्रशेखर आजाद आज हमारे साथ रहेंगे, लेकिन उससे पहले उनसे एक बड़े सवाल। तो ये देखा आपने, ये मुझे थोड़ा सा, ये दलित लीडर्स से मुझे परेशानी है। ये पता नहीं क्या है, कॉम्प्लेक्स है क्या है, समझ में नहीं आता। ये 70 लाख का हार और 5 स्टार में बैठ के ऐसे करके, पता नहीं, समझ में नहीं आता। ये मतलब समझ में नहीं आता। आप उस समाज से आए हैं और उस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि सबसे पिछड़ा बेचारा समाज है। आप दलितों के लिए लड़ रहे हैं, आप ह्यूमन स्कैवेंजर्स के लिए लड़ रहे हैं, और आप का जो स्टाइल और नक्शा और 5 स्टार 7 स्टार 70 लाख का हाल और ये सब समझ में नहीं आता। इट्स वेरी पुटिंग ऑफ। 5 स्टार आप अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात, तो ऐसा करिए ना, आप 2 ही स्टार अफोर्ड करिए, जो बाकी का 3 स्टार है वो काट के थोड़ा गरीब दलित भाइयों को भी कुछ दे दें। थोड़ा सोचना चाहिए इसके बारे में, ठीक नहीं लगता है। जोर से बोलो सब लोग। भाई इधर से नहीं पता आ जाता है।
Thank you.